हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, पीएचडी की वेबसाइट पे कल रात को एक नोटिस आया है 11 अक्टूबर को, और उस समय उन्होंने ज्वाइनिंग के बारे में बात की है कि ज्वाइनिंग के लिए आपको मेडिकल के लिए प्रोसीड करना है। अब वो आपको खुद करना है, उनकी तरफ से कोई लेटर आपको नहीं आएगा। इस तरह का नोटिस आया है जो मैं अभी आपको दिखाऊँगा स्क्रीन पर। तो ये नोटिस है, कल रात को मेरे पास आया है, तो इसके रिगार्डिंग फिर मुझे वीडियो बनाना पड़ा। और रात भर में 4-5 कमेंट भी मुझे आ गए हैं, जिसमें उन्होंने पूछा है कि सर आगे क्या करना है। क्योंकि हम जो सोच रहे थे, पहले जो हुआ था पिछले साल, वो ये था कि आपको लेटर आएगा, जैसे PWD में आता है वैसे लेटर आता है मेडिकल के लिए, आपको जिला अस्पताल में जाना होता है। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं आया है, यहाँ पे डिफरेंस है। तो वो क्या डिफरेंस है, क्या करना है आपको, वो मैं आपको बता दूंगा अभी इस वीडियो में। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और आपको वो लेटर दिखाता हूँ जो कल रात को आया है। उसके बाद में आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दिया जाएगा, वो आप चाहे तो यहाँ से बनवा सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। जो कल रात को आया है PHAD की वेबसाइट पे, मेरे पास ये व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज आया था एक फ्रेंड का, तो उसमें उन्होंने मुझे ये भेजा है। तो अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या है। मेनली सभा में आपका लिखा है विषय में कि नियुक्ति दिए जाने बाबत, तो आपको नियुक्ति यानी कि ज्वाइनिंग के लिए ये लेटर है। अब इसमें जो मेन बात है वो नीचे से शुरू होती है, देखिए इसमें पढ़िए इसको, कि आपको सूचित किया जाता है कि कनिष्ठ अभियंता सिविल एवं यांत्रिक विद्युत डिग्री एवं डिप्लोमा दोनों के लिए है, पद पर नियुक्ति देने जाने हेतु आपने स्वास्थ्य की जांच करवाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समकक्ष स्तर से जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तत्काल इस कार्यालय में सुनिश्चित करें, ताकि आपको ज्वाइनिंग दी जा सके। ये आपका वो है लेटर। इसके नीचे फिर आपकी लिस्ट है जिसमें आपके नाम मिल जाएंगे आपको, तो वो आप देख सकते हैं। इसका PDF जो है मैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ लेना जिसके पास में नहीं है। अब इसमें मेन बात क्या है, देखो वो समझो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको मेडिकल की जो जांच है वो खुद ही करवानी है, यानी कि स्वास्थ्य की जांच करवानी है। अब इसमें लिखा हुआ नहीं है कि आपको कोई लेटर आएगा, पोस्ट के थ्रू आएगा, कुछ भी आएगा। तो यहाँ पे ये इन्होंने चेंज किया है इस बार, क्योंकि पिछली बार जो था वो ऐसा था कि उनको लेटर खुद आए थे, और उससे पहले जो था 2015 में, तब ऐसा हुआ था कि जो फॉर्मेट उनको दिए गए थे वो डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए थे कि आप ये मेडिकल शपथ पत्र के फॉर्मेट ले जाओ और इनको आप बनवा के दे दो, इस तरह का था। उनके ज्वाइनिंग के जो DV हुआ था, ज्वाइनिंग के टाइम डिपार्टमेंट में, तब ये चीज़ हुई थी। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है कि मार्केट में जो अवेलेबल है हेल्थ सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट के फॉर्मेट, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी एक, और उसका जो फॉर्मेट है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वो भी आप ले जा सकते हो। वो आपको खुद ही ले जाना पड़ेगा। आप चाहो तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करवा सकते हो, जिला अस्पताल में करवा सकते हो, और आप चाहो तो किसी और डॉक्टर से भी करवा सकते हो। लेकिन वैलिड डॉक्टर होने चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, गैजेटेड जो डॉक्टर होते हैं वो होने चाहिए, ठीक है। कोई MO हो सकता है, MO से करवा सकते हैं आप, तो गवर्नमेंट जो भी होगा वो साइन चल जाएगा। उसके बाद वो साइन तो होगा ही, यानी कि डॉक्टर जो है आपका जो भी फिल करना है वो भरेगा। उसके बाद में उसमें CMHO के साइन भी होंगे। अभी थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, तब ये बात करूंगा। अभी फिलहाल ये है कि आपको मेडिकल खुद से बनवाना है। दूसरा पॉइंट ये है कि कब तक बनवाना है। तो देखो यहाँ पे कुछ भी डेट लिखी हुई नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। तत्काल का मतलब ये है कि आपका मेडिकल आप एक दिन में बन जाता है, तो एक दिन में बनवा लो, और उसके अगले 2-3 दिन में 4 दिन में आप इसको लेके पहुँच जाओ, यानी कि ज़्यादा डिले नहीं करना। अभी नोटिस अगर आपका 11 तारीख का है, तो आप इसको एटलीस्ट 14-15 तक तो लेके पहुँच ही जाओ हर हाल में, इससे ज़्यादा डिले मत करना। तो ये आपका जो है इस नोटिस का मेन मोटो है कि आपको तुरंत से जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बनवाना है, और जाके आपको हेड ऑफिस में जमा कराना है, PHAD हेड ऑफिस जो जयपुर में होगा आई गेस, वहाँ पे आपको जमा करवाना है, ठीक है। अब बात करते हैं इस फॉर्मेट की। ये आपका हेल्थ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जो मुझे एक्यूरेट लगा है। इसमें बस एक कमी है जो आप पूरी कर सकते हो। यहाँ पे आपकी फ़ोटो चिपकाना इधर राइट हैंड पे ऊपर, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर चल रहा है, तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो चिपकाना और उसको अटेस्ट करवाना है। अभी किसके साइन होंगे वो बता देता हूँ मैं आपको। देखिए ये फॉर्मेट क्यों सही है, क्योंकि इसमें आपकी सारी डिटेल है। एक तो पूरा आपका नाम आएगा, किसका पिताजी माताजी जो भी है उनका नाम आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट किस एग्ज़ाम के लिए हुआ है, कौन सा डिपार्टमेंट है, वो सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि कोई डिसक्वालिफिकेशन के लिए कोई रीज़न मुझे नहीं मिला है, ये अस्पताल के द्वारा लिखा जाएगा जो भी है कि ये परफेक्टली फिट है। और अपीयरेंस अबाउट दिस ईयर्स, यहाँ पे आपका पूरा आ गया है कि कौन सा ईयर है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा एग्ज़ाम है, सब कुछ आ गया है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इन द ऑफिस एज ए, तो ये जूनियर इंजीनियर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे देखो डिटेल में इन्होंने दिया हुआ है कि हाइट के लिए कितनी फिट कितने इंच है, वेट के लिए कितना LBS है, विजन आपको दिया है राइट में कितना है, लेफ्ट आई में कितना है, राइट आई में कितना है, वो दिया है आपको, तो वो लिखेंगे बाकायदा।
ग्लासेस अगर आपको लगे हुए हैं तो ग्लासेस के साथ कितना है, तो काफ़ी डिटेल में ये एक हेल्थ सर्टिफिकेट आपका तैयार होगा। बाकी जो फॉर्मेट मैंने देखे कल रात को बहुत सारे नेट पे, तो उनमें जो था स्पेसिफिक कुछ दिया हुआ नहीं था, सिर्फ ये जो लाइन लिखी होती है कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोई रीज़न नहीं है, वेरी फिट है, ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन आपको चाहिए कि आपको थोड़ा डिटेल में देने वाला जो सर्टिफिकेट है वो जमा कराना है। यहाँ पे डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा कलर विज़न कि कलर में आप जो है वो फ़र्क पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे। उसके अलावा बात करें नियर की, पास की नज़र, दूर की नज़र, वो सब यहाँ पे लिया हुआ है। इसके अलावा यूरिन टेस्ट जो होता है तो उसके लिए कलर दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो ये सारे वो फॉर्मेट है जो मैंने करवाया था, यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो मुझे फॉर्मेट मिला था मेरी ज्वाइनिंग के टाइम पे, वो बिल्कुल इससे मैच करता है। इसलिए मैंने नेट से ढूंढ के निकाला और ये फॉर्मेट मुझे लगा कि इसको आप लेके जाएंगे तो ज़्यादा बेटर फॉर्मेट है ये। फिर यहाँ पे आपका नीचे आ जाएगा कि डिक्लेयर करता हूँ इसको फिट है कि अनफिट है, तो फिट पे वो टिक कर देंगे और यहाँ पे आपके एमओ के साइन हो जाएंगे। एमओ, पीएमओ जो भी साइन करवाना चाहे वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। अगर आप अस्पताल में जाएंगे तो आपको पीएमओ के साइन मिलेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे आपके, प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन हो जाएगा और डेट हो जाएगी, ठीक है। अब ये साइन होने के बाद, यानी कि आप गए अस्पताल में, पीएमओ के साइन करवा दिए आपने, उसके बाद होगा ये कि अलग से आपको सीएमएचओ के साइन करवा के सील लगवानी पड़ेगी, ठीक है। सीएमएचओ के साइन ज़रूरी हैं, क्यों है ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ोगे इसको तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो कि होता है सीएमएचओ, ठीक है, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर सीएमएचओ, तो सीएमएचओ के साइन यहाँ पे होंगे, इन्होंने क्लियरली लिखा है। तो जब भी आप एमओ या पीएमओ के साइन करवाते हो, किसी डॉक्टर के करवाते हो, उसके बाद में यहाँ पे आपको सीएमएचओ के साइन ज़रूर करवाने हैं, उसकी सील लगेगी बाकायदा और वो एंट्री भी करते हैं, तब जाके ये सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होता है किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग के लिए। तो इसमें एक चीज़ तो आपको करनी है, यहाँ पे फ़ोटो लगानी है और उस पर सीएमएचओ के फिर इस तरह से अटेस्ट साइन होंगे। अगर सीएमएचओ नीचे करता है और ऊपर नहीं करता है तो मे बी यहाँ पे जो पीएमओ के साइन आपने करवाए थे नीचे, इससे भी आप ऊपर अटेस्टेड करवा सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि सीएमएचओ के साइन हो जाएँ दोनों जगह, तो ज़्यादा बेटर है, राइट। तो ये आपको दो चीज़ें करनी है, यहाँ पे फोटो लगा के इस पर अटेस्ट होगा, यानी कि आधा साइन पेज के ऊपर होगा और आधा साइन फोटो के ऊपर होगा, जैसा कि होता है जनरली। और यहाँ पे नीचे आपके सीएमएचओ के साइन होंगे, सील लग जाएगी, यहाँ पे पीएमओ के या एमओ के साइन हो जाएंगे, ये आपको करना है। अब बात करते हैं जो लोग मेडिकली थोड़ा सा अनफिट हैं, जैसे कि मान लो उनके जो विज़न है यानी कि चश्मे का नंबर है वो थोड़ा ज़्यादा है और देखने में उनको समस्या है, तो वो फिर क्या करना, या फिर किसी का कलर ब्लाइंड है, कि कलर ब्लाइंड के कुछ कमेंट्स मुझे आए थे। तो अगर ऐसी कोई समस्या है आपकी, तो फिर आप क्या करो, आप बाहर से जो आपके डॉक्टर कोई जानकार हैं उनसे आप इसको बनवा सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट होनी चाहिए, प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट हो, डॉक्टर हो, और ऐसा भी नहीं हो बिल्कुल नया हो, थोड़े पुराने डॉक्टर हों अच्छे खासे, तो उनसे आप इसको बनवा लो अगर आपकी जानकारी है तो, और वहाँ से बनवा के फिर आप इसको सीएमएचओ के साइन करवा सकते हो, तो वैसे भी करवा सकते हो। बाकी अस्पताल में जाओ आप, वहाँ पे अगर आपको कोई जुगाड़ लग सकता है तो वहाँ पे जुगाड़ लगवा के और इसको आप फिट बनवा लो। इसको बस देना है, इसकी फॉर्मेलिटी है, ठीक है, इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है बाद में। तो आप जॉब एटलीस्ट ज्वाइन तो करो और इसको जैसे भी है आप बनवा लो, एक बार बनवा के सीएमएचओ के साइन करवा के आप इसको साथ में ले जाइए, ठीक है। तो ये उनके लिए था जो थोड़ा सा अनफिट है, उनको क्या जुगाड़ करना है, बाकी जो फिट हैं वो तो सीधा सीधा स्कूल जाइए और जिला अस्पताल जो भी आपका है वहाँ पे आपकी पर्ची कटेगी 10 रुपये की, उसके बाद में आप टेस्ट जहाँ पे भी होते हैं विंग, वहाँ पे आप जाइए और उनको बोल दीजिए कि ज्वाइनिंग के लिए मेरा ये हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। तो फॉर्मेट हो सकता है या तो वो खुद दे दें, अगर आप जिला अस्पताल में जाते हो तो चांसेस हैं कि वो आपको खुद फॉर्मेट दे दें, और वो फॉर्मेट भी बिल्कुल इसके जैसा ही दिखता है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनवाया हुआ है तो मुझे पता है ये फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट वो लोग भी देते हैं। ये फॉर्मेट आप चाहो तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी डाउनलोड कर लेना और इसको आप बनवा लेना। देना कब है, जल्दी से जल्दी 1-2-3 दिन में, जितना भी जल्दी हो सके आप बनवाओ आजकल में, और इसको एक दिन में बन जाता है जनरली, तो सीएमएचओ के साइन हो जाएंगे शाम तक, और शाम तक आपके पास में जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, हेल्थ सर्टिफिकेट है, वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट डे आप जाके जमा करा दो चीफ ऑफिस में, क्योंकि नोटिस में आपको लिखा है तत्काल, कोई डेट नहीं है, तो ये आपको करना है जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी करोगे उतना बेटर है, 2-3-4 दिन में आप इसको करवा लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या आगे नोटिस आते हैं, और जो भी आएगा वो हम आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।